मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल रागिनीज रूटीन ब्लॉग। तो आज है कंजक पूजा, कन्या पूजा जो हो गई है मेरे घर, और अभी जस्ट फ्री हुए हैं हम। और आज बैसाखी भी है, मुझे लगा कि कल संडे को है, पर अभी मेरी मदर इन लॉ से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि आज ही है। तो हमारे में रिवाज होता है, रीत होती है कि बच्चा जो होता है उसको ड्राई फ्रूट्स का हार पहनाते हैं। तो जस्ट अभी हम बाहर गए थे तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह अभी लेके आए हैं इसमें, तो अभी मैं बनाऊंगी हार। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं किस तरीके से बनाती हूँ, तो चलिए बनाते हैं। अभी बजे हैं शाम के 7 और हम लोग आज जा रहे हैं गुरुद्वारा, तो आपको दिखाऊंगी गुरुद्वारा। और सबको बैसाखी की ढेरों शुभकामनाएं और अष्टमी और नवमी की भी शुभकामनाएं। तो सुबह तो बहुत थक चुके थे और ज़्यादा बात कर नहीं पाई थी, तो जितना हो सका मुझसे वो मैंने शेयर करने की कोशिश की थी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ गुरुद्वारा और आपको भी दर्शन करवाती हूँ।
हम घर आ गए हैं और हम एक्चुअली गए थे गुरुद्वारा, और वहाँ जाके पता चला कि बैसाखी का सेलिब्रेशन कल है, 14th को। तो हम कल जाएंगे और आपको दिखाएंगे गुरुद्वारा का। और फिर वहाँ से हम मंदिर चले गए थे, तो मंदिर का सारा कुछ मैंने दिखाया हुआ है। तो वहाँ पूजा चल रही थी, माता की चौकी चल रही थी, और आज तो जैसे लास्ट डे है, तो वहाँ बहुत अच्छे से फंक्शन चल रहा था, तो मैंने शेयर किया है। और आके सीधा हम डिनर करने बैठ गए थे, क्योंकि लेट हो गया था, ऑलरेडी 9 o'clock हो चुके थे। तो चलिए फिर, ये ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो कल मिलते हैं बैसाखी के ब्लॉग के साथ नए। तो जल्दी मिलते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आए आपको तो एक लाइक करना ज़रूर मत भूलिएगा। और अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिए। अगर उसको क्लिक नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी, और अगर उसको क्लिक कर दिया तो जैसे ही मेरा वीडियो मैं यहाँ से अपलोड करूँगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए फिर, बहुत ही जल्द मिलती हूँ एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।